नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्केल ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर. स्केल ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर, ठीक है. अब आप सारे लोग जानते हो कि टेम्परेचर को जनरली किस में रिकॉर्ड किया जाता है, थर्मामीटर से रिकॉर्ड किया जाता है. इन विच मर्करी इज यूज्ड इज दैट. तो इसका स्केल क्या है? थर्मामीटर तो अपरेटस हुआ, लेकिन इसका स्केल क्या है? तो इसके स्केल की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर थ्री स्केल्स ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कितने स्केल्स हैं? तीन. और ये कौन कौन से हैं? दे आर फर्स्ट क्या होता है? सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल. अब सेल्सियस स्केल एक्चुअल में है क्या? तो देखो, इट इज, चलो हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसआई सिस्टम. याद रखिएगा इस पॉइंट को कि सेल्सियस स्केल एसआई सिस्टम का पार्ट नहीं है. हाउएवर, यहीं पर आप ये भी लिख सकते हो कि हाउएवर इट इज वेरी पॉपुलर इन साइंटिफिक स्टडीज. लेकिन फिर भी ये साइंटिफिक स्टडीज में बहुत पॉपुलर है, ठीक है. और इसका अगर हम बात करें रेंज की, तो इसका रेंज क्या होता है? रेंज कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है. अब बीपी को ब्लड प्रेशर नहीं समझना, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, ओके. नाउ और सेकेंड इज केल्विन टेम्परेचर. केल्विन टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर ये क्या है? तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि दिस रिप्रेजेंट्स द एस आई स्केल. याद रखिएगा इस पॉइंट को कि ये जो केल्विन टेम्परेचर है, ये एसआई स्केल को रिप्रेजेंट करता है. इज दैट. अब इसके कुछ और पॉइंट्स लिख लेते हैं. इसके और पॉइंट्स में है कि इट इज एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल के.
नॉट स्मॉल के। कैपिटल के याद रखिएगा। रेंज -273 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है एंड दिस -273 डिग्री सेल्सियस, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको और क्या कहते हैं हम, एब्सोल्यूट जीरो। यस, -273 डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। हाँ, ये एक पॉइंट छूट रहा था। इसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, क्या फॉरेनहाइट। ये स्केल भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीन्स हम इसके बारे में भी अगर कुछ पॉइंट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या कि इन दिस स्केल, इन दिस स्केल द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। और बॉडी टेम्परेचर भी हमारा किस में मेजरमेंट होता, मेजर किया जाता है, याद रखिएगा, फारेनहाइट में। हम यहां पर एक पॉइंट को भी लिख लेते हैं, याद रखने में आसानी होगी, कि दिस इज वेरी commonly used scale to measure the body temperature, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, मीन्स हम अगर बात करें रिलेशन की, तो याद रखिएगा कि कैसे हम सेल्सियस को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को सेल्सियस में, केल्विन को सेल्सियस में, या सेल्सियस को केल्विन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि डिग्री एफ मीन्स डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। इफ़ वी हैव टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, देन वी यूज K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, और 273.15 लिखो, या फिर आप लिख सकते हो 273। ये और में लगा कर लिखे, ठीक है, मीन्स डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन इक्वल टू। तो ये दो रिलेशन आपको याद रखने होंगे, इनको आप बार बार यूज करोगे, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है उस पर मैं निशान लगा देता हूँ, आप लोग इसको पढ़ते रहना, याद रखना, ठीक है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेल्सियस स्केल सही है, SI यूनिट है, इसे साइंटिफिक स्टडीज में यूज़ किया जाता है, इम्पोर्टेंट ये भी है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज केल्विन। केल्विन ये एक इम्पॉर्टेंट होगा, आपको बार बार यूज़ करना होगा। इज़ दैट क्लियर? थैंक यू।